बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है और इसको लेकर आरजेडी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग रखी है। तो वहीं जेडीयू ने इसी रिपोर्ट के आधार पर काम करने की बात कही है और अब बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस रिपोर्ट पर गणना के मैकेनिज्म पर सवाल उठाए। सम्राट चौधरी ने पूछा कि बिहार में जातीय जनगणना किस मैकेनिज्म से हुई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद किसी और जाति के हैं और उनकी पत्नी का धर्म भी अलग है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियां हुई, उनकी गणना कैसे की गई। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई तुष्टीकरण की राजनीति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समर्थित राजनीति के अनुरूप तैयार की गई थी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और लालू यादव को चुनौती देता हूँ, वे कुर्सी छोड़कर अति पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए, तब हर कोई यही सोचेगा कि उन्हें अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान की चिंता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी जाति आधारित गणना का स्वागत करती है, जिसका आदेश राज्य कैबिनेट ने तब दिया था जब हमारी पार्टी से 2 मुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री थे। जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें से 80% लोग बीजेपी के समर्थक हैं। सम्राट चौधरी का इशारा सर्वेक्षण में राज्य की कुल आबादी में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की आबादी 80% दर्शाए जाने की ओर था, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80-20 के बयान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर नीतीश और लालू को वास्तव में अति पिछड़ों की परवाह है तो उन्हें सत्ता पर अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को बागडोर दे देनी चाहिए। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ में मुस्लिम आबादी 17.70% है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने रशेल गोडिनो उर्फ एलेक्सिस के साथ दिसंबर 2021 में शादी रचाई थी। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। बाद में एलेक्सिस ने अपना नाम बदलकर राजश्री कर लिया था और वो दिल्ली की ही रहने वाली है। अब जाति आधारित जनगणना के बाद बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश की सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब देखना है कि इस पे पक्ष और विपक्ष अपना किस समय पर किस तरह की बयानबाजी करती है।